नेक्स्ट लेक्चर की ओर हम लोग चलेंगे। आज सवेरे दो क्लासेस हो गई थी मुस्लिम मैरिज पर, अब हम डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज की ओर चलेंगे, मुस्लिम विवाह का विघटन। तो चूंकि एमसी की कोई क्वेश्चंस में देखने हैं तो इसमें थोड़ा सा ब्रीफ में चलेंगे, पर बहुत डिटेल में नहीं चलेंगे। देखिए, सबसे पहले डिसोल्यूशन वर्ड यूज़ किया गया है, यानी विघटन। तो जब विवाह होता है तो स्टेटस क्रिएट होता है हस्बैंड प्लस वाइफ के लिए, हस्बैंड प्लस वाइफ। तो जब विघटन होगा तो हस्बैंड प्लस वाइफ का जो संबंध है स्टेटस खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखना है कि विघटन किसने तरीकों से हो सकता है मुस्लिम लॉ में। तो अगर मुस्लिम लॉ में विघटन को देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, विघटन के लिए जो तरीके हैं, या तो एक्ट ऑफ गॉड, यानी बाय डेथ से विवाह का विघटन हो जाता है। अगर डेथ हो गई पक्षकारों की, कोई की किसी की एक की, तो विघटन हो जाएगा। दूसरा, एक्ट ऑफ पार्टीज, पक्षकारों के द्वारा विवाह को विघटित किया जा सकता है। तो पार्टीज में द्वारा किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? तो या तो विदाउट कोर्ट, यानी बिना कोर्ट के इंटरफेरेंस के, विदाउट कोर्ट, आप कोर्ट के बिना खुद जा सकते हैं। दूसरा, विद कोर्ट या बाय कोर्ट, कोर्ट के द्वारा। तो पक्षकारों के पास ऑप्शन है, या तो कोर्ट के द्वारा जाए या कोर्ट पे ना जाए, विदाउट कोर्ट। तो जब कोर्ट के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आप एक देखेंगे 1939 मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट सेक्शन 2 देख लेंगे, इसमें नौ ग्राउंड दिए हुए हैं इन पर। तो कोर्ट में यहाँ देख लेंगे। और दूसरी ओर जो विदाउट कोर्ट है, क्योंकि वर्ड यूज़ किया है पार्टीज यानी पक्षकार, तो पक्षकार मतलब हो गया शौहर प्लस पत्नी उसकी, दोनों ही लोग हैं पक्षकारों में। तो विदाउट कोर्ट कैसे होगा? पक्षकार में दोनों हैं, हस्बैंड यानी पति यानी शौहर, ठीक, और पत्नी मतलब वाइफ, ठीक। तो हस्बैंड जो है, और एक चीज़ और है, दोनों लोग अगर म्यूचुअली कंसेंटेड हो जाएं, पारस्परिक सहमति से म्यूचुअल कंसेंट हो जाएं, तो भी विवाह को विघटित किया जा सकता है। तो पक्षकार कैसे कर सकते हैं? कोर्ट के माध्यम से या बिना कोर्ट के माध्यम से कर सकते हैं। और पक्षकारों में शामिल कौन है? हस्बैंड प्लस वाइफ, शौहर और उसकी पत्नी। और ये दोनों क्या है? दोनों ही लोग म्यूचुअल कंसेंट से कर सकते हैं। तो हस्बैंड कैसे करेगा? तो हस्बैंड के पास विघटन करने के लिए, डिजॉल्व करने के लिए तीन तरीके हैं, तीन रास्ते हैं। या तो एक है इला, जिसे कहते हैं इला के माध्यम से कर सकता है। दूसरा, तलाक, तलाक के माध्यम से कर सकता है। तीसरा, सिहार, सिहार ये तीन डिफरेंट टाइप्स हैं। ये किसके पास है? हस्बैंड के पास है, जिससे मैरिज को डिजॉल्व कर सकता है। तो विवाह को विघटित करने के लिए तरीका क्या है? या तो इला के माध्यम से, या तलाक के माध्यम से, या जिहार के माध्यम से। फिर इधर देखते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से कैसे तलाक को, सॉरी, म्यूचुअल कंसेंट से कैसे विघटित किया जा सकता है? तो खुला एंड मुबारक, मुबारक एंड खुला, ठीक, क्लियर।
और यहाँ पत्नी शब्द लिखा है, यहाँ पर एक तलाक का बड़ा अच्छा फॉर्म दिखाई पड़ रहा है। चूंकि पत्नी तलाक दे नहीं सकती है तो यहाँ पर जो पत्नी के द्वारा दिया हुआ है वहाँ एक वर्ड यूज किया जाता है, तलाक। ए तफवीज, तफवीज डबल ये तफवीज, या इसको कह सकते हैं डेलीगेटेड तलाक, या कह सकते हैं इसे प्रत्यायोजित तलाक, इसको भी क्रम से हम लोग आगे पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। तो शौहर के पास इला तलाक जिहार से विवाह को विकटित कराएंगे, म्यूचुअल कंसेंट से खुला और मुबारक म्यूचुअल कंसेंट से है, और म्यूचुअल कंसेंट से है, तलाक-ए-तफवीज है, तलाक-ए-तफवीज माने डेलीगेटेड तलाक, प्रत्यायोजित तलाक। ये पत्नी के द्वारा सवाल कभी कभी आता है कि पत्नी के द्वारा तलाक, तो पत्नी तलाक दे नहीं सकती, प्रोनाउंसिएट नहीं कर सकती, बल्कि कुछ कंडीशन से जहाँ ले सकती है, तो इसलिए वहाँ शब्द तो प्रयोग किया जाता है प्रत्यायोजित तलाक या डेलीगेटेड तलाक या तलाकी तफवीज। और ये तो अलग से हो गया न्याय प्रक्रिया के द्वारा। तो अब बिल्कुल ब्रीफ में इनको शॉर्ट में एक एक चीज देख लेते हैं। तो अब जो इला है, इला में केवल एक चीज याद रखिए, इला का मतलब होता है एक शब्द में आत्म संयम की प्रतिज्ञा, एक वर्ड में इला मीन्स आत्म संयम, सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्म संयम। जैसे हिंदू वेद में आपको देखेंगे तो संन्यास दिखाई पड़ता है, किंतु इस्लामिक विधि में इस प्रकार की अवधारणा नहीं। अर्थात कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति आत्मसंयम अर्थात सेल्फ डिटर्मिनेशन की प्रतिज्ञा लेता है, अर्थात वो अपनी पत्नी के पास कुछ एक निश्चित समय, इसमें 4 मंथ 4 मंथ है, 4 महीने तक नहीं जाता, आत्मसंयम की प्रतिज्ञा ले लेता है। तो एक दूसरे दृष्टिकोण से कहलाता है कंस्ट्रक्टिव तलाक, रचनात्मक तलाक या आन्वयिक तलाक। असल में देखा जाए तो ये जो ये हिस्सा है इला, आत्मसंयम यानी कंस्ट्रक्टिव तलाक, रचनात्मक तलाक यानी रचनात्मक तलाक है, यानी पति 4 महीने तक आत्मसंयम की प्रतिज्ञा रखता है। तो पत्नी को ये डायरेक्ट अधिकार नहीं, तलाक हो जाएगा, पत्नी को ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो 1939 का जो एक्ट है, मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट, उसमें जाकर इस आधार को ले सकती है। ये कहते हो कि पति ने आत्मसंयम की प्रतिज्ञा ले रखी है 4 मंथ भी। तो ये एक छोटा सा ग्राउंड लेवल इसका मीनिंग कभी कभी पूछी जाती है, इला इला मीन्स आत्मसंयम, सेल्फ डिटर्मिनेशन, और ये दर्शनात्मक तलाक का एक स्वरूप है, बस इसमें इतना ही देखना चाहिए। फिर अभी इसको छोड़ते हैं, तलाक को जिहार को देख लेते हैं। जिहार का मतलब होता है हिंदी में प्रतिषिद्ध संबंध, जैसे कि कराबत, मुशारत और रिजा, यानी ब्लड रिलेशन, कंसैनिटी, मुशारत, एफिनिटी और रिजा, जो सवेरे वाले मैंने लेक्चर में दिया था कि इन संबंधों में विवाह करना मना है। तो अगर जिहार कंसेप्टिव तलाक का दूसरा एक उदाहरण है कि जब पति अपनी पत्नी की तुलना कंपैरिजन उस महिला से करता है जो कि उसके लिए कराबत, मुशारत या रिजा की वजह से प्रतिबंधित है, अर्थात वो तुलना कर सकता है अपनी पत्नी की तुलना कि तुम मेरी माँ के समान प्रतीत होती हो। तो यहाँ पर जो शब्दों के द्वारा तुलना है, जो आचरण के द्वारा तुलना की जा रही है, वो कराबत रिलेशन में आने की वजह से प्रतीत हो रही है। अतः जिहार का मतलब है कंस्ट्रक्टिव तलाक, ये तुलना कर देना, तो इसलिए अब उसके साथ का रहना शास्त्र विरुद्ध है जो हो जाएगा। अतः मुस्लिम क्लासिकल लॉ में इस प्रकार का प्रतिषेध किया गया है, और 4 मंथ तक का समय है। अगर पति अपनी जिहार की जो डिक्लेरेशन इसने कर रखा हुआ है बाई कंडक्ट, अगर ये वापस नहीं लेता है तो वाइफ को दो चीज़ें दिखाई, दो रेमेडी दिखाई पड़ती हैं। एक दिखाई पड़ती है कि वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए जा सकती है कि पति जो है पृथक हो गया है,
तुलना की वजह से रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए, दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए, या 1939 का जो एक्ट है मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट, इसका सेक्शन 2 के ग्राउंड नंबर 9 में जहाँ लिखा है अन्य मान्य आधार, उनमें जाकर वो डिवोर्स के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो जिहार का मतलब केवल यहाँ पर जब हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, केवल एक लाइन देखते हैं, इसकी मीनिंग क्या है, बस सिर्फ मीनिंग यह है कि प्रतिशत संबंधों से तुलना करना, और ये कंस्ट्रक्टिव तलाक का एक दूसरा स्वरूप है। अब तलाक के ऊपर आ जाइए। तलाक में देखिए, ये तलाक जो है, जो इस पर अभी केस भी डिसाइड हुआ है नवीनतम, तो इसको बिल्कुल शॉर्ट में कर लेते हैं। जो तलाक है ये हस्बैंड के द्वारा ही दिया जाएगा। अब ये उच्चारण पर निर्भर करता है, ये बोलने पर है। अभी जो देखे थे हमने कंसेप्टिव तलाक थे, ये बोलने पर निर्भर करता है, उसको प्रोनंसिएशन पर करता है। तो तलाक मोस्टली दिखाई पड़ेगा तलाक उल सुन्नत। पहला फॉर्म है तलाक उल सुन्नत, और दूसरा है तलाकुल बिद्दत, इसे तलाकुल बैन भी कहते थे, इसे ट्रिपल तलाक भी कहा जाता है, ट्रिपल तलाक भी कहा जाता है। अब इसके लिए तो ला इधर सेटल हो जाएगा। 2017 में जो केस आया है शायरा बानो, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 केस है। इससे तो तलाकुल बिद्दत अभी उसको आगे डिस्कस करेंगे, इसे अवैध घोषित कर दिया गया है, दंडनीय अपराध बना दिया गया है, एक्ट भी पास हो गया है 2019 में। तो इसको देखते हैं एग्जामिनेशन पर्पस से। तलाकुल सुन्नत जो है, तलाकुल सुन्नत जो कि वर्णित है कुरान शरीफ में, आप देखेंगे उसमें, तो ये दो पार्ट में देखे सुन्नत को। तलाक सुन्नत में दो पार्ट हैं, एहसन, एहसन एहसन और हसन, दो सुन्नत के दो पार्ट दिखाई पड़ेंगे, एहसन और हसन। तो पहला चीज़ सुन्नत के दो पार्ट है, एहसन हसन और तलाकुल बिद्दत, इसको बिल्कुल अलग कर दीजिए। जो सुन्नत का जो पार्ट है एहसन और हसन, तो एहसन को मोस्ट अप्रूव्ड तलाक कहा गया है। विल्सन ने कहा है कि ये मोस्ट अप्रूव्ड तलाक है, विल्सन कहते हैं ये प्रशंसनीय तलाक है। ये तलाक कैसा तलाक है? प्रशंसनीय तलाक है, और हसन उससे कम है। तो इसके बारे में अगर थोड़ा हल्का सा और डिटेल थोड़ा देख लीजिए, एक एक पॉइंट के लिए बस, खासकर उत्तराखंड की परीक्षाओं में बड़ा पूछा जाता है जो तलाक एहसन है यह है क्या। तो तलाक एहसन में जो तलाक दिया जाता है, तो जो शब्द का जो उच्चारण है तलाक एहसन में, सुन्नत का पार्ट है, इसमें तलाक जो शब्द है कि मैंने तलाक दिया, ये केवल एक बार ही प्रोनंसिएट किया जाता है, केवल एक ही बार बोला जाता है कि मैंने तलाक दिया। दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें कि जो तलाक दिया गया है, बोला जा रहा है, वो कब बोला जाए, कब दिया जाए, तो उसमें वर्ड अरबिक में यूज़ करते हैं तोहर, तोहर वर्ड का प्रयोग करते हैं। तोहर, तोहर का मतलब होता है जबकि विमेन फ्री फ्रॉम मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, जबकि पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होती है, इसे पवित्र काल कहते हैं, तब। जबकि तुहर मीन्स फ्री फ्रॉम मेंस्ट्रुअल पीरियड, तो कब एक बार तलाक दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, जबकि वो तुहर में हो। अगर किसी वजह से, उम्र की वजह से मेंस्ट्रुअल पीरियड्स वगैरह नहीं है, तो फिर किसी भी समय बोला जा सकता है। तीसरा, जैसे ही तलाक दिया जाएगा वैसे ही इद्दत शुरू हो जाएगी, वैसे ही इद्दत प्रारंभ हो जाएगी। देखिए अभी विवाह विकटित नहीं हो पा रहा है, इसलिए प्रशंसनीय बोला गया है,
कितना समय सुलह समझौते के लिए? एक बार तलाक बोला केवल, चूंकि तलाक शब्द है बंधन को खोल देना, तो उसके लिए पैगंबर साहब कहते हैं बहुत अच्छा शब्द नहीं है, निंदनीय शब्द है, इसका प्रयोग बहुत कम और बहुत ही विरली अवस्था में किया जाना चाहिए, इसलिए कम से कम प्रयोग है, इसलिए ये मोस्ट अप्रूव्ड है। तो एक बार तलाक शब्द बोला गया, और कब बोला गया? तोहर में, और उसी समय वो वाइफ इद्दत की अवध में चली गई। तो इद्दत की अवध यहाँ पर चूँकि डिवोर्स हो रहा है तो 3 मेंस्ट्रुअल मंथ होगी, पीरियड होगी, और जब ये पीरियड जब तक खत्म नहीं होता तब तक ये हस्बैंड जो है इस तलाक को रिवोक कर सकता है, वापस ले सकता है बाय कंडक्ट, साथ रहने लग जाए, या शब्दों के द्वारा। जैसे ही ये 3 मंथ पूरे होंगे वैसे ही इररिवोकेबल डिवोर्स बन जाएगा, अखंडनीय तलाक हो जाएगा, और यहाँ पर तलाक कंप्लीट होता है। तो कई कई उठते हैं कि तलाक है, ऐसे में तलाक कब कंप्लीट होता है? तो इद्दत के समाप्ति के पश्चात ही समाप्त होता है, उससे पहले आप उसको वापस ले सकते हैं। तो ये हो गया तलाक एहसन की फॉर्मेलिटीज। ठीक, तलाक हसन, देखिए हसन की फॉर्मेलिटी क्या, सब कुछ देखिए बिल्कुल वैसे ही रहेगा, फर्क क्या है? इसमें भी तलाक शब्द का जो उच्चारण किया जाएगा बोला जाएगा, एक ही बार बोला जाता है, लेकिन 1 2 3 3 लगातार कंसी, लगातार 3 लगातार 1 2 3 तुहर में बोला जाएगा, एक के बाद एक कंसिक्वेंटली लगातार, जैसे कि तलाक शब्द का उच्चारण पहले तुहर में कहेगा मैंने तुम्हें तलाक दिया। तो अब ये पहला तुहर क्या है? जब फ्री फ्रॉम मेंस्ट्रुअल पीरियड है उस दौरान दिया, उसके बाद मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद सेकंड तुहर में उसने फिर कहा कि मैंने तुम्हें तलाक दिया, थोड़ा समय और भी था। जब तीसरा तुहर आया उसने फिर उसी प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए कहा मैंने तुम्हें तलाक दिया। तो तलाक शब्द बोला जाता है एक बार लेकिन अलग अलग तुहर में बोला गया, तो 3 प्रोनाउंसिएशन हुए लेकिन अलग अलग तुहर में हुए। और जैसे ही तीसरे तुहर में बोला कि मैंने तुम्हें तलाक दिया, वैसे ही तलाक कंप्लीट हो गया और विवाह विघटित हो गया, और फिर वो इद्दत में उसी समय इद्दत में चली गई। तो अब इद्दत जो 3 महीने इसकी चलेगी उससे तो कोई यहाँ पर फर्क नहीं आ रहा। फर्क क्या रहा था उसमें दोनों में? कि यहाँ पहले वाले में जहाँ एहसन था वहाँ जहाँ तो उसने तलाक दिया था पहला वाला, उसके बाद इद्दत भी पूरी हुई, इद्दत के बाद विवाह का विघटन हुआ। इसमें जैसे ही चूंकि 3 तलाक से हो रहा है, चूंकि 3 बार तलाक शब्द का प्रयोग किया गया है इसलिए इसको बहुत अच्छा नहीं मानते, मतलब उससे कम अच्छा माना, ये मोस्ट अप्रूव्ड है, ये केवल अप्रूव्ड है। इसलिए 1 2 3 में बोलते ही तलाक इररिवोकेबल हो गया और विवाह विघटित हो जाता है, और यहाँ पर इसकी बाजीदर शुरू हो जाती है। और यहाँ पर कोई विवाह किया भी जाएगा तो फासिल होता है, लेकिन उसी पत्नी से अगर विवाह करना है तो उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया है जिसका वर्णन बाद में आगे कभी किया जाएगा। तो तलाक में के 3 पार्ट आपने देख लिए, उसमें तलाक में देखा था आपने सुन्नत बिद्दत, सुन्नत में देखा एहसन हसन, हसन में 1 बार तलाक, इसमें 3 बार अलग अलग बोला गया, ये दोनों चीज़ें कंडीशन इधर खत्म हो गई। बिद्दत के लिए केवल आप चूँकि समय ना होने की वजह से ज़्यादा मत देखिए, 3 तलाक था डायरेक्ट, इसमें तलाक शब्द का उच्चारण एक ही समय में 3 बार उच्चारित किया जाता था जिससे उसी समय विवाह विघटित हो जाता था। इस कारण से अभी हाल में ही शायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में इसको चैलेंज किया गया था, तो इसकी संवैधानिकता को और इसे अब दंडनीय बनाते हुए इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, तो अतः इसे हटा दिया गया। तो आपके एग्जाम के पर्पज से ये केस इम्पॉर्टेंट है कि शायरा बानू के मामले में शायरा है शायरा नहीं है, एक इस पर केस और डिसाइड है वो शायरा बानू के नाम से, वो ये नहीं है, इसमें शायरा है SHA है, शायरा बानू है शायरा नहीं है। शायरा बानू के केस में 2017 केस में फाइनल हो गया कि संवैधानिक से कर दिया गया। तो ये आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, इसी में खुला और मुबारक में, खुला और मुबारक में, खुला मुबारक में 2 चीज़ें देख लीजिए। पहला चीज़ खुला मुबारक किससे संबंधित है? म्यूचुअल कंसेंट यानी पारस्परिक,
पारस्परिक सहमति म्यूचुअल कंसेंट से इनका विवाह समाप्त। यही प्रावधान जो म्यूचुअल कंसेंट है हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ये प्रावधान आपको देता है, लेकिन इस रूप में नहीं है, ये वहाँ वर्णित किया गया कि म्यूचुअल कंसेंट है। यहाँ म्यूचुअल कंसेंट से खुला और मुबारक दिया गया। और आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि म्यूचुअल कंसेंट पे आधारित तलाक कौन से हैं, खुला और मुबारक है। और इसमें यह पूछा जाता है खुला और मुबारक में पहचान क्या है, बस सिर्फ थोड़ा सीखे। खुला का मतलब होता है विवाह के बंधन को छोड़ दिया, इसमें अभी तलाक शब्द का उच्चारण न करके खुला में दोनों ही चूंकि पारस्परिक सहमति से, तो पत्नी जो है वाइफ पति से कहती है कि तुम मुझे कुछ प्रतिफल के कंसिडरेशन के बदले में तुम मुझे अब निर्मुक्ति कर दो, रिलीज कर दो, खुला में रिलीज कर दो और मैं तुम्हें कुछ उसके बदले में कंसिडरेशन दे दूँगी। तो उसके एवज में पति उसे मुक्त कर देता है। तो साधारण रूप से खुला का मतलब है रिलीज कर देना, और इस प्रकार से वो तलाक प्रभावी हो जाता है। और मुबारक भी जो है इसमें चूँकि म्यूचुअल कंसेंट से दोनों हैं, तो इसमें पति और पत्नी दोनों में ही अरुचि रहती है, तो इसमें दोनों में से कोई भी प्रस्ताव ला सकता है, कंसिडरेशन इसमें खास महत्व नहीं रखता है। और प्रस्ताव और पत्नी लाती है कि तुम मुझे छोड़ दो, तो हो सकता है कि इस मुबारक के मैटर में ज़्यादातर कंसिडरेशन अलाउ नहीं करता है, आप उसको खुद ही इसको रिलीज कर सकते हैं। तो इस पर एक केस है खास, क्योंकि डिटेल में नहीं आ जा सकते, कि पूछा जाता है कि खुला और मुबारक में पे एक प्रमुख बात कौन सा है जिसमें इसने अंतर किया है। तो एक है मुंशी बुजुलुल रही वर्सेस लतीफ़ुन्निसा का केस है। मुंशी वर्सेस लतीफ़ुन्निसा, मुंशी बुजुलुल रहीम वर्सेस लतीफ़ुन्निसा का केस है। इसमें बताया गया है कि खुला और मुबारक में क्या अंतर है। तो एग्जाम पर्पज केवल इतना देखिए कि दोनों म्यूचुअल कंसेंट से हैं, खुला में कंसिडरेशन पति की ओर से है, म्यूचुअल और मुबारक में दोनों उसमें से किसी ओर से भी हो सकता है, और दोनों ही इस पर म्यूचुअल कंसेंट पर आधारित हैं, पारस्परिक अरुचि पर आधारित हैं। इस पर अंतर मुंशी बुजुलुल के केस में किया गया। और थोड़ा सा देखते हैं चार्ट में कि एक बच गया था आपका डेलीगेटेड तलाक यानी तलाक के तफवीज। तफवीज बच गया आपका, इसको और देखिए तलाक के तफवीज। ये डेलीगेटेड तलाक है, प्रत्यायोजित तलाक कहते हैं। ये पूछा जाता है कि पत्नी के द्वारा तलाक में पत्नी कैसे तलाक ले सकती है, देरी समेत कैसे ले सकती है। तो इसमें यह दिया है कि पति जो है मुख्तार है, उसके पास शक्ति है, तो अपनी तलाक देने की जो शक्ति है वो उसका प्रत्यायोजन किसी अन्य व्यक्ति को कर सकता है। कभी कभी उसके एग्जाम्पल होता है कि जैसे उसने कहा कि मैं तू विवाह के समय काबीनामा में शर्तें लिखाई कि अगर तुमको मैंने अपने घर किसी विशेष अवसर पर न जाने दिया तो मैं तुम्हें अख्तियार देता हूँ कि तुम तलाक ले सकोगी। तो ये पावर डेलीगेट करता है, किसी व्यक्ति को डेलीगेट कर सकता है, तो पत्नी उस शक्ति का प्रयोग करके वो तलाक ले लेती है। तो उसे कहते हैं डेलीगेटेड तलाक यानी तलाक तफवीज। तो इसको सिंपल यहाँ पर विस्तार में जाकर तफवीज का मतलब डेलीगेटेड तलाक, प्रत्यायोजित तलाक। और ये पत्नी को इसलिए प्राप्त है कि वो किसी घटना पर, थोड़ा सा इसमें अंतर करना चाहिए, ये समर्थित तलाक यानी कंटिन्यूअस तलाक से इसमें अंतर है, किंतु इसमें बस पति के द्वारा अपनी तलाक देने की शक्ति का प्रत्यायोजन किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया जाता है, जिसका प्रयोग करके पत्नी तलाक ले सकती है। और अंत में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इससे आपको काफ़ी सुविधा मिलेगी पढ़ने में, से बहुत से प्रश्न
उत्तराखंड में तो बहुत ही प्रश्न आते हैं 1939 का जो हमने कहा था बाई कोर्ट, कोर्ट के द्वारा, तो कोर्ट के द्वारा फीमेल को यानी महिला को जो अधिकार दिया है इस एक्ट की सेक्शन 2 में 9 ग्राउंड दिए हुए हैं उसमें दिया हुआ है। तो इसमें एक्ट में से क्या चीज़ आती है, तो पहला हम सुबह बता चुके थे एक्ट जो है मन की विचारधारा पर आधारित है, मन की विचारधारा पर आधारित है। तो जिसके ग्राउंड हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसमें खाली आपको जो पढ़ते समय ध्यान रखना है कि बेरक सामने रखिए और जो इसमें अंक प्रयोग किए जाएंगे शब्द जैसे 4, 2, 6, 3 इस तरह से वर्ड जो यूज़ किए जाएंगे वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसा बेरक सामने रखे इसको, इसका एक्ट को देखो, तो सबसे पहले पत्नी कब विवाह विच्छेद के लिए कोर्ट के द्वारा जा सकती है, सबसे पहले यहाँ वर्ड यूज़ किया है पति जो है हस्बैंड है गायब है, हस्बैंड क्या है गायब है, गायब है यानी एब्सेंट है यानी मफरूर है, हस्बैंड जो है गायब है मफरूर है उसका पता नहीं चल रहा है। बस अब एक्ट को देखिए सामने, तो उसमें देखिए गायब होना नहीं इम्पोर्टेंट, कब तक से गायब है, तो 4 का अंक लिखा है 4 वर्ष से गायब है। तो ये पूछा जाता है कि सब कि एक महिला विवाह विच्छेद के लिए जा सकती है कब, जबकि उसका पति गायब है, कब से 4 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष। तो इसमें संख्या जो पूरा एक्ट है ये नंबर्स पर बेस होता है एमसीक्यू क्वेश्चंस में, इतना हिस्सा इसको थोड़ा ध्यान रखते हुए पढ़ना। तो इसको जब देखेंगे सबसे पहले ग्राउंड में मफरूरियत है, मफरूर हो गया है पति यानी एब्सकॉन्डेंट है गायब हो गया है, कब तक गायब है 4 वर्ष, जब वो पिटीशन फाइल कर रही है उस दिन से पहले 4 साल से उसका पता नहीं चल रहा है, तो पत्नी पिटीशन कर सकती जा सकती है। और यहाँ पर अगर और विस्तार में देखें पीछे का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है तो उसमें लिखा हुआ 6 मंथ का प्रयोग किया गया है, तो कोर्ट डिक्री तो देगा लेकिन 6 मंथ रोक लेगा, कहेगा पति के घर वालों से उसकी पार्टी बनाएंगे कि देखिए मैं मौका देता हूँ कि अभी 6 महीने के भीतर वो आपके शौहर महोदय हाजिर हो जाएं कोर्ट में या उसकी सूचना दे दें तो फिर हम इस डिक्री को रद्द कर देंगे, अन्यथा आप 4 साल से गायब हैं, इस आधार पर वाइफ के फेवर डिक्री हो जाएगी। तो इसको ध्यान रखना, तो 4 साल से गायब है ये अंक हो गए 4। यहाँ लिख के चलते हैं पहले ग्राउंड में गायब जहां पे हुए हैं वहां पर 4। दूसरा मेंटेनेंस यानी भरण पोषण नफक, नफक माने भरण पोषण, जहां पर पति अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में असमर्थ हो गया है, फेलियर लिखा है फेलियर टू मेंटेन, तो कैसे हो गया है, देखिए अंक इसमें आने शुरू हुए थे तो यहां अंक प्रयोग किया जाएगा 2 आगे, देखिए 2 वर्ष है तो 2 साल से, और ये कैसा है लगातार है, लगातार 2 साल तक अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में असमर्थ हो गया है फेल हो गया है तो फिर इस आधार पर डिक्री ला सकते हैं। दूसरे ग्राउंड देखिए 2 हो गया, ठीक है। अब 4 में 2 जोड़िए तो 4, 2 और इसके बाद देखिए क्या आएगा आपके पास, ये तीसरा वाला देखिए कौन सा हेडिंग है इम्प्रिजमेंट आएगा, यहाँ पर आएगा कारावासित, कारावासित है सेंटेंस है, दंड लिखा है दंडादेश, दंडादेश। तो 4 हो गया था 2 हो गया था जुड़ के आता है 6, लेकिन यहाँ 6 नहीं आएगा, ये क्या हो जाता है यहाँ 7 होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो अंक के साथ चलना है, तो कह रहा है कि मेंटेनेंस के लिए लगातार 2 साल तक नहीं दिया है तो डिवोर्स के लिए जा सकती है। तीसरे ग्राउंड में, यहाँ तीसरा ग्राउंड आ गया इसमें, तो उसमें प्रयोग कर रहा है कि अगर उसके हस्बैंड को 7 साल का दंडादेश हो गया और इसका एक्सप्लेनेशन कहता है अंतिम हो गया हो फाइनल हो गया हो, तो कितने साल का है, तो देखिए यह 7 हो गया, क्या हो गया 7 साल का दंडादेश हो गया है, तो इस आधार पर वो डिवोर्स के लिए पिटीशन ला सकते हैं।
4, 2, 7। अब मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है, ग्राउंड नंबर 4 कि मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन, यानी इसको कहते हैं वैवाहिक कर्तव्यों में असफलता हो गई, तो कितने साल? अब देखिए वैसे आप जोड़ते रहते तो 4, 2, 7 उल्टा हो गया, तो अगर यहाँ 3 जोड़ा जाता तब तो 7 अच्छा लगता, लेकिन यहाँ नहीं जोड़ा गया, 4 से 6 बजाय यहाँ 7 हुआ और यहाँ 3 हो गया। अब 4, 2, 7, 3 3 साल तक, अगर वो 3 साल तक अपने दायित्वों का निर्वाह करने, वैसे दायित्वों का मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन का असफल रहता है, तो इस आधार पर भी विवाह विच्छेद के लिए वो जा सकती है। तो कितने ग्राउंड हो गए आपके? 1, 2, 3, 4। अब जो पांचवा ग्राउंड है उसमें संख्या का प्रयोग नहीं किया गया है। पांचवा ग्राउंड क्या है? इम्पोटेंसी है, इम्पोटेंसी, नपुंसकता। इस आधार पर समय का नहीं लिखा, इस आधार पर लेकिन वो पिटीशन फाइल कर सकती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठा ग्राउंड आ गया। छठा ग्राउंड क्या है? इनसेनिटी, पागलपन। तो ये इनसेनिटी है, इसमें 3 चीज़ें, इनसेनिटी है और साथ में और लेप्रोसी जुड़ी हुई है, कुष्ठ रोग। तो इनसेनिटी के साथ में 2 साल फिर जुड़ गया है, 2 ईयर। तो जो पागलपन रहा है उसका, इंसेनिटी रही है, वो 2 साल तक की हो, जब से उसे अप्लीकेशन दाखिल किया और जब उसका विवाह हुआ था तब से 2 साल तक, यानी ये कंटिन्यूशन को दिखा रहा है कि 2 साल तक पागल रहा और उसके बाद चूँकि पिटीशन फाइल कर रहा है उस समय भी पागल है। तो ऐसी कंडीशन देखे, 4 साल से गायब रहा, 2 साल के लिए उसने क्या किया था? मेंटेनेंस, 7 साल सजा हो गई थी, और 3 साल के लिए मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन में फेल हो गया था, इसमें कोई समय नहीं था इन उसमें इम्पोटेंसी में, इसमें फिर समय आ गया कि वो फेल हो रहा है, ये सॉरी इंसैन है, पागल है, कब तक रहा है? 2 साल तक। तो ये अंक अगर याद रखेंगे तो ये अंक चेंज होते हैं सवाल में, कि पति पागल रहा है 2 साल, 1 साल, 6 महीने, पति गायब रहा है 6 साल, 4 साल, 3 साल। तो ये इसमें अंक जो है शब्द के बजाय ये जो अंक प्रयोग किए गए हैं इस पे एक्ट में ध्यान रखने चाहिए। और इसका 7वां ग्राउंड मैं सुबह इसको ले चुका हूँ पहले ही, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, जहाँ विवाह 15 साल की आयु से पहले कराया गया है और तब वो 18 साल होने के बीच में विवाह को निराकृत कर सकती है। और जो 8वां ग्राउंड है क्रुएलिटी है, पति के द्वारा क्रुएलिटी, क्रुएलिटी के आधार पर जा सकती है। और जो 9th ग्राउंड है अंतिम, ये रेसिड्यूरी ग्राउंड है, रेसिड्यूरी यानी जितना बचा खुचा जो कुछ ना है, तो कहता है मुस्लिम विधि के अंतर्गत मान्य अन्य आधारों पर भी ले सकती है। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा था जिहार के मामले में, कंस्ट्रक्टिव तलाक जो हुआ था इला, तो वो सब क्या है? उन आधार जो है वो विधिमान्य आधार है, इनके आधार पर ये प्रार्थना कर सकती है। तो इसे आप एक बार नज़र मार लेंगे, काफ़ी हेल्पफुल होगा पढ़ने के लिए। इसमें अंक का जरूर ध्यान रखिएगा और बेर एड को सामने रख के जरूर पढ़िएगा, उसको अंडरलाइन करते हुए। चलिए फिर आगे देखते हैं इसके बाद।